नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, बंद कमरे में सीएम भजनलाल शर्मा मिले 15 से बड़े नेताओं के साथ। भाजपा की बैठक से पहले नेता नाराज। पूर्व यूडीएस मंत्री कृपलानी और वसुंधरा राजे कुर्सियों पर भी नहीं था नाम। सीएम पहुंचे बैठक में। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर भाजपा की बैठक को लेकर आ रही है। सीएम भजनलाल से बंद कमरे में कई नेता मिले हैं, जिसमें से विधायक रविंदर सिंह भाटी ने भी मुलाकात की है और इस मुलाकात में 15 नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने बंद कमरे में नेताओं से क्या खास बातचीत की है, इस पर भी नजर डालेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज भाजपा की बैठक से पहले ही नेता है वो नाराज हो गए, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ रहा है। मंच पर लगी कुर्सियों पर जब विधायक श्री संत कृपलानी और सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने अपना नाम नहीं देखा तो नाराज हो गए। इसके बाद दोनों मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच जाकर बैठ गए। दरअसल ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में ये हालात हुए हैं। इसमें क्लस्टर की मीटिंग ली जा रही थी, हालांकि आधे घंटे की मान मनुवार के बाद दोनों विधायक मान भी लिए और उन्हें मंच पर बैठाया गया। गुच्छे से मंच से उतरे पूर्व मंत्री और विधायक। मीणा बोले, हमारा नाम तो नहीं तो हम क्यों आए। इधर सीएम भजनलाल शर्मा से करीब 4 बजे इस बैठक में पहुंचे, इससे पूर्व दोपहर करीब 3 बजे पूर्व मंत्री और सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा मंच पर पहुंचे। लेकिन दोनों नेता जब मंच पर पहुंचे तो कुर्सियों पर अपना नाम नहीं देकर वो नाराज हो गए और गुस्से से मंच से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच चले गए। इधर मीणा ने भी जब कुर्सी पर अपना नाम नहीं देखा तो वे गुस्से से भर उठे, कार्यकर्ताओं के बीच आकर बैठ गए। आधे घंटे तक चलती रही यह कहासुनी, मान मनुवार भी की गई लेकिन आखिरकार मान लिए गए। क्लस्टर की बैठक के हालात देखने को मिले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने आज बंद कमरे के अंदर कुछ नेताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल ने बंद कमरे में मुलाकात की। इस मुलाकात से संकेत मिल रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जोधपुर में सीएम की मौजूदगी में कांग्रेस के 15 बड़े नेताओं ने भाजपा ज्वाइन की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। करीब 1 घंटे तक चली मैराथन बैठक में उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। इसी दौरान मानवेंद्र सिंह जसोल ने भी सीएम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि 10 मिनट तक दोनों के बीच में वार्ता हुई है। सीएम विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी सीएम से खास मुलाकात की। भाटी सीएम के साथ एक चार्टर प्लेन में उदयपुर गए। इससे पूर्व जोधपुर पहुंचने पर सीएम विधायक भाटी बोले, आगे जो भी निर्णय होगा वो जनता से पूछ कर लिया जाएगा। सीएम से मुलाकात पर वे बोले हैं कि बैठक में सकारात्मक बैठक हुई है और आगे नतीजे भी पॉजिटिव आएंगे। मैं जिन लोगों की वजह से यहां तक पहुंचा हूं उनसे बातचीत करूंगा और उसको लेकर आगे का फैसला करूंगा। वहीं इधर कांग्रेस नेताओं की भाजपा में एंट्री पर हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तो तभी दरवाजे सभी दरवाजे तोड़ तोड़ कर घुस रहे हैं। बीजेपी की तरफ इतना रुख है कि इस बार 25 की 25 सीट आएगी। इसी दौरान चिरंजीवी योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल झूठ था और इसका फायदा किसी को नहीं मिला। किसी को 25 लाख का इलाज नहीं मिला। 90% लोगों को 3 लाख से ज्यादा तक का इलाज नहीं मिला है। निर्दलियों पर उन्होंने कहा कि कई लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं लेकिन वो जीत भी जाते हैं, वे हमारे ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वे निर्दलीय भी हमारे हैं। पायलट के नजदीकी नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। इधर आपको बता दें कि सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनके खास नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ नेताओं ने बंद कमरे के अंदर मुलाकात की है। इधर कांग्रेसी नेता ने भाजपा ज्वाइन करने के साथ ही कहा कि झूठी कांग्रेस पार्टी है, झूठों का साथ छोड़कर हमने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है। वे बोले, राम मंदिर बनाने वाली पार्टी ज्वाइन की है, हम राम भक्त हैं। उन्होंने खास तौर पर कहा कि कांग्रेस लंबे समय से हम एक्टिव रहे हैं लेकिन कांग्रेस झूठी पार्टी है। साथ ही ये थी सबसे बड़ी खबर। मानवेंद्र सिंह जसोल एक बार फिर से भाजपा के अंदर एंट्री मार रहे हैं।